अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति पूरिया। खुश रहो, खूब तरक्की करो। धन्यवाद दीदी, सब इनकी मेहरबानी है। हम तो चाहते थे कि कोई व्यवसाय करे, और इन्हें देखिए, इन्होंने तो हमारे लिए दुकान ही खुलवा दी। हमारी बेबी के मुंह से कोई बात निकले और वो पूरी ना हो, ऐसा हो सकता है भला? वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें डॉली की घर पे भी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अकेले बेचारी दुकान और घर कैसे संभालेगी। सुन रहे ना आप, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। डॉली भाभी बधाई हो, इस खुशी के मौके में एक सेल्फी हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए आ भाई सेल्फी में। अरे हाँ मैं भी तो आने दो। अरे बधाई हो आपके नई दुकान के लिए। अरे बधाई हमें नहीं, हमारी बीवी डॉली को दीजिए, ये मालिक है। डॉली जी बधाई हो। जी धन्यवाद। हमें अखिल और हम हैं खूबसूरत ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सेल्समैन। जी कहिए। वैसे डॉली जी आपको पूरी मार्केट में ना हमारे जैसे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, और हमारे प्रोडक्ट्स ना बहुत मशहूर हैं। चलिए ठीक है, हम आपके प्रोडक्ट्स रख तो लेंगे जी, लेकिन डिलीवरी टाइम पर मिलेगी ना? हाँ और एक और बात, हम कैश पेमेंट नहीं करेंगे। अरे डॉली जी पेमेंट की चिंता आप मत कीजिए, हम है ना, और डिलीवरी के बाद आप एक हफ्ते बाद पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉली हमें एक डिलीवरी के लिए जाना है। सेल्समैन में कितनी दिलचस्पी। जी थैंक यू। आप खुद इतनी सुंदर हैं। क्यों दिखा रही है डॉली? हाँ शुरुआत ऐसी होती है भूषण, संभाल लो डॉली को, वरना अंजाम वही होगा। डॉली पर भरोसा है हमको। कैसा रहा आज का दिन? अरे जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा था। धीरे धीरे हमारी दुकान जम जाएगी। हम राइस लेकर आते। हाँ हाँ। हम सोच रहे थे कि दुकान पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी रखना शुरू कर ही दे। आज वो खूबसूरत कॉस्मेटिक्स वाला आया था ना, वो काफी अच्छे स्कीम्स पर अपने प्रोडक्ट्स देने को रेडी है हमें। क्यों? अरे कोई स्कीम चल रहा है उनके वहां पर। देखो जहां तक हम जानते हैं ना, ये बड़ी कंपनी वाले हम जैसे दुकानदारों को कोई मुनाफा नहीं देते हैं। और ये मेहरबानी क्यों कर रहा है ये सेल्समैन तुम पे इतनी? देखो वो आदमी सही नहीं लगा हमें। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अरे हम जानते हैं ना ऐसे लोगों को, बच के रहना तुम उनसे। अरे आप परेशान मत होइए, हम सब संभाल लेंगे। और हम भी तो चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर आपका हाथ बटाएं घर चलाने में, हमारे लिए और हमारे अच्छे भविष्य के लिए। मतलब छोटी डॉली और छोटे भूषण के लिए? हाँ आप खाना खाइए। खाना खाएं या भविष्य की तैयारी करें? अरे राम राम डॉली भाभी। राम राम। नई दुकान के लिए मुबारक हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा मैंने सुना है कि दुकान पे आप पैकेट का दूध रखने वाले हैं, तो हमारे दूध बंद कर देंगे क्या? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमको आपसे एक शिकायत है। क्या भाभी? कल दूध उबालने से पहले ही फट गया। माफी मांगता हूँ भाभी जी, इस बार आपको हम डबल दूध देते हैं। लाइए लाइए। जी धन्यवाद, इतनी मेहरबानी। वो भी एक दूध वाली क्यों कर रहा है डॉली पर?
हम तो यही कामना करते हैं कि आपकी दुकान बढ़े। दुकान में सेल्समैन और यहाँ दूध वाला। भूषण तेरी बीवी कुछ ज्यादा ही हंस हंस के बात नहीं करती सबसे? काबू में रख उसे वरना अंजाम वही होगा। कैसी हो डॉली? अरे दीदी आप? हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं बताइए? हम बिल्कुल बढ़िया। अरे बस किचन में खाना बना रहे थे तो देखा शक्कर का डिब्बा खाली पड़ा है, सोचा अपनी दुकान से ले आते हैं, जरा एक किलो दे दो। अभी लाते हैं। ये लीजिए। अच्छा दीदी आपसे हमें एक काम था। हाँ बोलो। दरअसल उनका जन्मदिन आ रहा है तो हम सोच रहे थे अगर उस दिन आप थोड़े देर के लिए दुकान संभालेंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। अरे बिल्कुल, तुम दोनों कहीं जाने वाले हो क्या? जी दीदी, और पता है हम उनके लिए सरप्राइज भी प्लान कर रहे हैं। हम आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्ते। अच्छा सुनो डॉली, हम बाद में आते हैं, फिर बताना। हाँ जी दीदी, बाय। आपके जैसा सुंदर बना दे वो साबुन दे दो और एक शैम्पू भी दे देना। भाभी जी वो डिब्बा रखा ना घी का, वो भी चाहिए। ₹330। वाह भाभी जी, आप तो हिसाब में पूरी पक्की निकली। वैसे आपका मोबाइल नंबर मिलेगा? हम दे दे अपना नंबर, ले लो। डॉली बीबी हमारी, जब भी फोन करोगे बात करवा देंगे। इतना करके काहे बात कर रहे हो? बीबी का इतना ही ख्याल है ना, तो कैद करके रखना घर में। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे सुनिए तो। अरे निकल जाए यहाँ से, आगे से दिखाई दिया ना जान से मार देंगे हम। ए, तुम लोग क्या देख रहे हो, चलो यहां से। डॉली, अरे डॉली हमारी बात तो सुन लो। अरे काहे इतना गुस्सा हो रही हो, बात तो सुन लो हमारी। अरे काहे इतनी नाराज हो हमसे? अरे हमारी बात सुन रही हो तुम? अरे डॉली हमारी बात सुनोगे, हम कुछ कह रहे हैं सुनोगी तुम? डॉली आप अभी भी पूछ रहे हैं? हाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है हम क्यों नाराज है? क्या जरूरत थी इतना बखेड़ा करने की? अरे कमाल है, कोई आदमी तुमसे बदतमीजी से बात करेगा चुपचाप देख लेंगे हम। अरे ऐसे लोग तो हमेशा आते ही रहते हैं, तो आप हर किसी से झगड़ा करेंगे क्या? हाँ, जो तुम्हें आंख उठा के देखेगा तोड़ देंगे उसे हम। एक काम करते हैं, हम दुकान ही बंद कर देते हैं क्योंकि ऐसे लोग तो आते ही रहेंगे। दुकान बंद करने की जरूरत नहीं है, लोगों को भाव देना बंद कर दो तुम। अच्छा तो आपको लगता है हम लोगों को भाव देते हैं? हाँ अरे वो ग्राहक है, अब ग्राहकों से जितना बात करना जरूरी होता है बस हम उतना ही करते हैं, पर आप तो समझते ही नहीं है। तुम्हें इतना समझ नहीं आता क्या? हाँ डॉली को पराए मर्दों के साथ बात करने में बड़ा मजा आता है। अब इतना सच सवर कर दुकान जाएगी तो लोग तो छेड़ेंगे ही ना, तुम खुद ही देख लो। देखो सही कह रही हो। कौन सही कह रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं आप? मतलब तुम सही कह रही हो, दुकान पर आने वाले मर्दों से तुम्हें बचाने का उपाय है हमारे पास। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे तुम नहीं समझोगी पगली, ये श्रृंगार का सामान है ना, यही दूसरे मर्दों को आकर्षित करता है, इसलिए हमने सोचा इसे ही फेंक देते हैं, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। और तुम तो वैसे ही इतनी खूबसूरत दिखती हो, तुम्हें साजो सामान की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं, इच्छा है हमारी। एक कौन औरत नहीं चाहती है सजना सवरना, पर दुकान पर किसी ने हमें ताड़ लिया तो आप यहाँ आकर हमारा सामान फेंक रहे हैं।
ये कौन सी बात हुई? अरे पगली, काहे इतना बिगड़ रही हो? देखो जितना सादा सरल रहोगी ना उतनी ज्यादा खूबसूरत लगोगी, और ये लाली लिपस्टिक यही तो मर्दों की नीयत खराब करता है। देखो हम तुम्हें बता रहे हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं तुम पे हम, लेकिन दूसरे मर्दों की तो गारंटी नहीं है ना। आज के बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं। देखो आप लूटो मत, हम तुम्हारे लिए पॉलिश लेके आए, दिखाएं तुम्हें। ये देखो पसंद आया तुम्हें, हम लगाए अपने हाथों से, दिखाओ दिखाओ पैर दिखाओ। सुंदर लग रहा है ना? लगाइए ना, इसमें लगाइए। हाँ लगा रहे हैं ना। अरे हम अभी घर पर हैं, आपको मना किए थे ना कि जब हम घर पर हैं हमें फोन मत कीजिए। हाँ अरे हम आपको खुद फोन करेंगे कल दुकान से। इतनी रात को डॉली किससे बात कर रही, वो भी तुमसे छिपकर? पता करो भूषण, किससे इश्क फरमाया जा रहा है? डॉली को काबू में रख, वरना अंजाम अंजाम वही होगा। अच्छा रुकिए, ये लीजिए आपका टिफिन, बाय। डॉली अपना फोन देना जरा, सेठ को फोन करना है, मेरा फोन ऑफ है ना। मोबाइल फोन हम पजेस करते हैं, यानी इस फोन के हम मालिक हैं। घर मकान महंगी गाड़ी इन सब के हम मालिक होते हैं, लेकिन रिश्तों का क्या? क्या माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे, इन रिश्तों पर भी मालिकाना हक जताया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। रिश्ते या तो जन्म से होते हैं या बनाए जाते हैं और उसके बाद निभाए जाते हैं, उन्हें हम ओन नहीं करते। उन रिश्तों के हम मालिक नहीं बन सकते। रिश्ते तभी सफल होते हैं, संपन्न होते हैं, जब उनमें हम भरोसा रखें, उन्हें पनपने की आजादी दें। लेकिन भूषण और डॉली के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। भूषण की सुंदर पत्नी उसके लिए हमेशा संदेह का स्रोत थी, और जहां रिश्तों में शक और शंका आ जाए वहां उसके टूटने का डर होता है। डॉली का चक्कर तो चल ही रहा है, वरना इतनी रात को कौन ऐसे बात करता है? तुमने उसका फोन देखा? उसने वो नंबर भी डिलीट कर दिया था। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम भोले थे और भोले ही रहोगे। आसार साफ है, अंजाम वही होगा। फोन भी नहीं उठा रही। हेलो, कौन बोल रहा है? महेंद्र। डॉली कहाँ है? कहीं गई है। कहाँ गई है? वो पता नहीं, सिर्फ इतना कहा थोड़ी देर में आ रही हूँ। देखो कहीं अपने आशिक से तो नहीं मिलने गई। अरे भूषण ये टेम्पो आगे लो जरा, सामान रखना है। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, अब सामान बाद में लोड करेंगे, हम आते हैं अभी। चल जा निकल, हम आए यहाँ।
आप यहाँ इस वक्त कहाँ गई थी? वो खूबसूरत कॉस्मेटिक्स है ना, उसके गोडाउन पर गए थे। वो क्या है ना कि उनके सारे सामान बिक गए थे और ग्राहक खाली हाथ लौट रहे थे, तो हम सोचे कि खुद ही जाकर ले आते हैं। मतलब तुम्हें जाने की जरूरत पड़ गई? अरे नहीं नहीं, हम तो फोन पर ही ऑर्डर दिए थे, लेकिन उनके पास ना कोई आदमी नहीं था कि सामान तुरंत पहुंचा के जाए। फोन काहे नहीं उठाया हमारा? फोन अरे फोन तो हम गोडाउन पर ही भूल आए। अरे भाभी जी, ये फोन आप गोडाउन में ही भूल गई थी। जी धन्यवाद। अरे वाह, अब तक तो डिलीवरी के लिए कोई नहीं था, फोन देने खुद ही चला आया। हाँ जी, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा फोन दे देते हैं। अब फोन खुदा तो भाभी जी को परेशानी होती ना। तू भी तो परेशान हो जाता ना, फोन किस पे करता, बात कैसे होती, फिर आता कैसे इनके पास? ये आप क्या कह रहे हैं? बहाना चाहिए ना तुझे भाभी से मिलने का। ये आप क्या बोल रहे हैं? सही कह रहे हैं हम, ऐसे लोगों के मुंह मत लगा करो। देखिए आप गलत समझ रहे हैं हमें। अभी से तुम जैसे छिछोरों को अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं नहीं, पीवी है हमारी ये, दूर रहना इससे, नहीं तो सेल्समैन ग्री करने लायक नहीं छोड़ेंगे हम। अबे धमकी किसी और को देना समझा? अरे 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 छोड़िए ना, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, अरे क्या कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो? जान से मारते हैं बता रहे हैं। अबे आना, तेरे जैसे बहुत देखे हमने, छोड़। अरे अरे उठाए, निकल यहां से, दुकान के पास दिख मत जाना आज के बाद। देख लूंगा तेरे को तो मैं, छोड़। दूसरी बार इन्होंने ऐसा किया है दीदी, दुकान के सामने अगर तमाशा खड़ा कर देते हैं। तमाशा तुमने खड़ा कर रखा है, क्या कहेंगे लोग? भूषण से अपनी बीवी नहीं संभाली जाती, दूसरे मर्दों से चिपकी रहती। बस कर भूषण, कुछ अंदाजा भी है कि क्या बोल रहा है? अगर अपनी बीवी पे इतना भी भरोसा नहीं था तो उसको क्यों दुकान खुलवा के दी? पता नहीं इन्हें अचानक से क्या हो गया है, पर हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे चरित्र पर इस तरह से कोई उंगली उठाए। हम सच कह रहे हैं, हम चले जाएंगे हमेशा के लिए। देख भूषण, पत्नी पर शक करना बंद कर दे, लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद कर दे। अरे तुम डॉली से इतना प्यार करते थे, उस पर इतना भरोसा करते थे, कहाँ गया वो सब? जैसे तुम्हारा टेम्पू है ना, उसके पहियों की तरह पति और पत्नी का रिश्ता होता है। अगर दोनों पहियों में तालमेल सही ना हो तो वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पाती। शादी भी बिल्कुल ऐसे ही होती है, समझ रहा है ना? हम ध्यान रखेंगे दीदी। डॉली, आगे से ऐसा नहीं होगा। शीशे में भी हम एक दूसरे के लायक नहीं लगते, तुम इतनी खूबसूरत और हम, इसलिए हम असुरक्षित महसूस करते हैं। पर आप तो जानते हैं ना कि हमारी जिंदगी में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। हमारी जिंदगी में भी आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। गुस्से में बहक जाते हैं जब तुम दूसरे मर्दों से बातचीत करती हो, हमें बर्दाश्त नहीं होता। पर आगे से मैं अपने जज्बातों पे काबू रखूंगा। कोई बात नहीं, बस अब से आप हमारे रिश्ते पर विश्वास रखिएगा, हम पर ऐसे शक मत किया कीजिएगा। रात बहुत हो गई है, आओ चलो सोते हैं।
अरे हम अभी घर पर हैं। तुमने जो करा सही, बहुत शातिर है। अभी भी फोन आ रहा था और उसने काट दिया। देखो उसका फोन, उसके यार की कोई ना कोई डिटेल जरूर मिलेगी। हेलो डॉली, आप कमर तक दिखे वैसी फोटो भेजो ना। हेलो हेलो, देखा जो हमने कहा वो सही था ना, और तुमसे माफी मंगवाती है। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डाल। डॉली, डॉली जी, आई। आपका टिफिन। हाँ वो आज डिलीवरी के लिए शहर से बाहर जाना है, रात को लेट हो जाऊंगा। और रात का खाना बाहर ही खा लूंगा, तुम खा के सो जाना, हो सकता है मैं सुबह आऊं। जी ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, दुकान खोलने का वक्त हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है, बाद में बात करती हूँ। डॉली भाभी, वो हम इस आपके लिए आए हैं, प्रोडक्ट तो आप हमारे रखने रहे दुकान पर। जी हमारे पति ने आपसे इतनी बदतमीजी की, हम आपसे माफी मांगते हैं। आप क्यों माफी मांग रही हैं? अरे वो आजकल इतने शकी किस्म के हो गए हैं ना, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। मैं आपसे एक बात पूछूं? जी। आप ऐसे शक्की इंसान के साथ रह कैसे सकते हैं? एक बात बताएं आपको, इस शमा परवाने की जोड़ी ने तुम्हारी जिंदगी में आग लगाने की ठान ही ली है। देखो अखिल को, तुमने मना करा था ना आने को, फिर भी आज लौट आया। और डॉली देखो, मैं बता रही हूँ भूषण, इनका कुछ करना होगा, वरना अंजाम अंजाम वही होगा। अभी वो है नहीं इसलिए बात कर पा रहे हैं, जो करना है जल्दी करो, अब टाइम नहीं है हमारे पास। अब कुछ बोलो कि सब समझ गए। दरवाजा खोलो। अरे आप इतनी जल्दी आ गए, क्या ढूंढ रहे हैं आप? कल से ना ये दुकान बंद रहेगी, तुम यहीं रहोगी घर। दुकान तो अभी अभी खोला है हमने, कितना नुकसान हो रहा है। हम घर के मर्द हैं, समझ रही हो तुम? हमारा फैसला आखिरी फैसला है। आपको अचानक से क्या हो गया है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप?
तुम सुधरोगी नहीं। हाँ, हमारे मना करने के बावजूद वो अखिल दुकान पर आया। आप हम पर जासूसी कर रहे हैं? हमने मना किया था उस अखिल को दुकान पे आने से, फिर भी वो दुकान पे आया और तुम उससे बातें करती रही और ऐसे कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो दुकान पर पैसों का हिसाब करने के लिए आए थे। ऐसा कौन सा हिसाब है तुम्हारा? आप हम पर इतना शक करने लगे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये शक हम कैसे दूर करें। तुम्हारा दुकान पर बात करके पेट नहीं भरा तो तुम यहाँ आकर फोन पे बात कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि रात पर रात भर जो ये फोन आते हैं तुम्हारे कट 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 कट, हमें पता ही नहीं लगता, बेवकूफ है हम। देखो तुम कुछ भी कर लो हम भागने नहीं देंगे, तुम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, तुम देखो ना कितनी शराफत से पेश आते, ये सब कुछ तो तुम्हारे लिए, ऐसे छोड़ के नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। और ऐसे क्यों कर रही हो तुम हमारे साथ? आपके दिमाग में आपने ना ख्याली खिचड़ी पका रखी है। अखिल के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, आपके दिल और दिमाग में शक का दीमक लग चुका है। हम आपके साथ इस तरह नहीं रह सकते, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे कहाँ जा रही हो तुम? उस आशिक के पास जा रही हो तुम? कहीं भी जाए आपको ऐसे क्या? कहीं नहीं जाने देंगे हम, कहीं नहीं जाने। अरे क्या कहेंगे मोहल्ले वाले? पति ना मर्द है इसलिए बीवी छोड़ के भाग जाती है, ये कहेंगे मोहल्ले वाले? रास्ता छोड़े हमारा। अरे कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे हम, कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएगी तू? जा कहाँ जाएगी तू? हटिए बचाओ, हम भेजते हैं तुझे, जाएगी ना, भेजते हैं। चली थी जाओ, चली गई। सही किया तूने, अब तू जेल जाएगा और सब तुझे मर्द कहेंगे। उल्टा बीवी को मार दिया। जेल नहीं जाना है। तो फिर तू कुछ ऐसा कर कि इसका आशिक फंस जाए इसके कत्ल में। डोली मैं डोली को कैसे? नहीं नहीं नहीं, मैंने डोली को नहीं मारा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा डोली को।
भूषण तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह? दीदी डॉली आई है यहाँ? नहीं वो तो यहाँ नहीं आई, पर हुआ क्या है? हमने सुबह सुबह उठ के देखा तो डॉली घर में नहीं थी, फोन भी बंद आ रहा है उसका। दुकान पे देखा, शायद जल्दी चली गई होगी आज। नहीं नहीं वहाँ नहीं देखा, आइए ना देखते हैं। हाँ चलो चलो। यहाँ भी नहीं आई, फिर कहाँ गई होगी? कहीं तुम दोनों का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? कभी नाराज होके वो कहीं चली गई हो? नहीं नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम आस पड़ोस में देखते हैं, आपके पास आए तो फोन कीजिएगा। चलो ठीक है। सो बैठिए आप लोग। ओके साहब, हमारी बेबी जो है डॉली सुबह से गायब है, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। अपने आस पड़ोस में या अपने रिश्तेदारों के यहाँ पता किया? सब कई जगह तलाश किया पर कहीं नहीं मिले। आप एक काम करिए, आप अपनी पत्नी का एक फोटो दे दीजिए और उनका मोबाइल नंबर लिखवा दें। जी सर। लीजिए सर। वरक सो इस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलाओ और करंट लोकेशन भी तुरंत। ओके सर। तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता लेकर आए। आइए। खा लो। डॉली ने बनवाया था तुम्हारे लिए, तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। जैसे तैसे उसने ये सारी बातें तुमसे छिपाई। उस दिन वो बता रही थी कि जिस दुकानदार से उसने ये सारी चीजें बनवाई थी वो उसको रात को देर से फोन किया करता था। अरे हम अभी घर पर हैं। कमर तक दिखे वैसी फोटो भेजो ना। हेलो। चिंता मत कर, पुलिस उसको ढूंढ लेगी। जो होना था वो हो गया, अब पछता के क्या फायदा? कसूर तो उस डॉली का था ही, वरना बात यहां तक नहीं पहुंचती। और वो अखिल, वो कोई दूध का धूला नहीं है। डोरे तो उसने भी डाले थे डॉली, सजा तो उसको मिलनी चाहिए। जी सर। कल एक औरत की मिसिंग रिपोर्ट आई। जी सर। राज एक औरत का बॉडी पार्ट मिला है। एक काम करो। हाँ। भूषण को बुलाओ, उससे पूछते हैं कहीं उसकी बीवी का तो नहीं है। आपको किसी पर शक है भूषण? सब हाँ बोलो। निरंजन कॉलेज के पीछे
एक औरत का हाथ मिला है सर। व्हाट? जिस बहरेमी से मार के शरीर के टुकड़े फेंके गए, इससे तो ऐसा लग रहा है कि किसी के मन में गहरी रंजिश रही हो। भूषण जी, आपको किसी पर शक है? सब एक सेल्समैन है अखिल, हमारी बीवी पे डोरे डालता था, हमारा झगड़ा भी हुआ था उसके साथ, उसने सब कुछ किया होगा। ऐसा कहा रहता है वो, एड्रेस बताइए। अखिल साहब, चल सब बताते हैं। चल साहब, यहाँ क्यों लाए मुझे आप? देख, तूने डॉली का मर्डर किया है और उसकी लाश के टुकड़े पूरे शहर में फेंके हैं तूने। क्या कह रहे हो आप? और उसके पति ने हमें सब कुछ बता दिया है, उस डॉली पर डोरे डाल रहा, और कुछ दिन पहले तूने भूषण से भी लड़ाई की। अरे नहीं साहब, वो शक्की आदमी है, और झगड़ा मैंने नहीं उसने किया था मेरे साथ। अब पक्का उसने कुछ किया है साहब, अपनी पत्नी बहुत शक करता था और वो तो उसे खरीद के लेके आया था। हाँ। एक बात बताएं आपको, आप किसी से मत कहिएगा। हाँ कहिए ना। हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है, एक दूर की बुआ थी जिनके साथ हम रहते थे, और ये हमें उन्हीं से खरीद कर लाए थे। वो तो बेचारे के घर से बाहर भी निकल सकती थी, इतना शक करता था वो उस पे। हाँ पैसे दिए थे हमने, हमारी शादी नहीं हो रही थी। शादी हुई तो डोली ने कहा कि कुछ व्यवसाय करना है, हमने उसकी दुकान खुलवा दी। हमारा सब सही चल रहा था, जब से अखिल हमारी जिंदगी में आया सब खत्म हो गया हमारा। गोरख, इस अखिल के कॉल डिटेल्स निकलवाओ जल्दी। सो सर, डॉली के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन दोनों आ गए हैं। कुछ मिला? सर, इनके कॉल रिकॉर्ड्स देखने से पता चल रहा है कि इनके बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती। मतलब अखिल सच बोल रहा था? लेकिन सर, इनके फोन लोकेशंस तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जिस रात डॉली गायब हुई थी उस रात उसका पहला लोकेशन उसके घर पे था, फिर ट्रैवल करके अखिल के घर पे गया। उसके बाद सर दोनों के फोन लोकेशन अखिल के घर के आसपास ही रहा। उसके बाद सर अखिल और डॉली का फोन का लोकेशन अखिल के घर से निकल के तीन बत्ती चौक तक गया। उसके बाद सर उन दोनों की लोकेशन थोड़ी देर तक वहीं स्टैटिक रही। मतलब डॉली और अखिल उस जगह गए होंगे। उसके बाद क्या कहती है लोकेशन रिपोर्ट? उसके बाद सर डॉली का फोन वहीं स्विच ऑफ हो गया। मतलब वहीं पर डॉली और अखिल के बीच कुछ कहा सुनी हुई होगी या झगड़ा हुआ होगा, और अखिल ने डॉली को मार डाला। उसके बाद की लोकेशन रिपोर्ट क्या है? सर उसके बाद अखिल का फोन वहां तक गया है जहां से हमें डॉली का कटा हुआ पैर मिला है। मतलब उसने डॉली के बॉडी पार्ट का एक टुकड़ा वहां फेंका होगा। उसके बाद सर अखिल का लोकेशन वहां दिखा रहा है जहां से डॉली का कटा हुआ हाथ मिला है। मतलब वहां अखिल ने डॉली के बॉडी पार्ट का दूसरा हिस्सा फेंका हो। उसके बाद सर अखिल का फोन कई जगहों पर ट्रैवल करते हुए लास्ट में अपने घर पे पहुंचा है।
वरक जी एक काम करो, इन सारी लोकेशन पर जाओ और सर्च करो, बाकी के बॉडी पार्ट्स आपको वहीं मिले। सो तेरा खेल खत्म हो गया अखिल, तेरे फोन की लोकेशन ने तेरे कच्चे चिट्ठे खोल दिए। डॉली के शरीर के टुकड़े जहां जहां मिले वहां वहां तेरे फोन की लोकेशन मिली हमें उस रात की। साहब मैं सच बोल रहा हूं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। एक, हमारे पास तेरे खिलाफ सबूत है, सच बोल वरना मेरे पास दूसरा तरीका है। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। पाल इसको तोड़ो और इतना तोड़ो जब तक ये सच ना बोल दे। साहब नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ठीक है, आप बाकी पैसे दीदी को दे देना। दीदी अब हम यहां नहीं रह पाएंगे, हम जा रहे हैं यहां से, हम यहां रहेंगे तो हमें डोली की याद आएगी, आपसे मिलने आते रहेंगे। सर, सर बॉडी के सारे पार्ट्स मिल गए, सिविल हॉस्पिटल भेजा है, डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि जितने बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो एक ही बॉडी को बिलोंग करते हैं, मतलब सर डोली के ही बॉडी पार्ट्स। अखिल को बहुत तोड़ा लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। कमाल है, ये अखिल छठा हुआ क्रिमिनल तो है नहीं, आम लोग दो डंडे पड़ने पर सच बोलने लग जाते, पर ये है कि सच बोलने को तैयार ही नहीं। शायद सर सोच के ही आया, कुछ भी हो जाए सच नहीं बोले। गोरख एक काम करो, जहां जहां बॉडी पार्ट्स मिले वहां के आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, अब इसको वीडियो प्रूफ ही दिखाई, तभी अपना जुर्म कबूल करेगा। सो ये देखिए, एक एरिया का सीसीटीवी फुटेज मिला मुझे। बॉडी का एक पार्ट यहां मिला था। चलो बाजा रहे, निकल। सर सर हुआ क्या सर? बात कर रहे हैं, ससुराल लेकर चलते हैं। चल। अरे सर, सच बोल दे अब, तेरे पास कोई चारा नहीं है। हाँ, हमने ही मारा डोली को साहब, वो उसके टुकड़े टुकड़े करके शहर में अलग अलग जगह फेंक दिया। अखिल का फोन भी हमारे साथ ही था, उससे रात को उसके घर से चुराया था, फिर वापस जाके उसी के घर रख दिया। क्या हमें लग रहा था कि उसका अखिल के साथ कोई चक्कर है, वो भी हमें छोड़कर भाग जाएगी पुष्पा की तरह। कौन पुष्पा? ये रही पुष्पा। मजाक कर रहा है हमारे साथ है? कोई नहीं है यहाँ पे। सच कह रहे हैं सर, सब इसकी वजह से हुआ। देख पहलिया मत पूछा और सीधा सीधा बोल। सच कह रहे हैं सर, ये सब इसी ने किया है, हमें छोड़कर भाग गई थी। बहुत प्यार करते थे हम उसे, एक रात छोड़कर भाग गई हमें। वो छोड़कर चली गई है, उसे भी तूने डोली की तरह मार डाला। नहीं नहीं साहब, भाग गई थी, सब ताने मार रहे थे कि बीवी संभाल ही नहीं जाती, कैसा मर्द है। हमें दूसरी शादी करनी थी, हम डोली को खरीद के लाए, हम नहीं चाहते थे कि डोली भी पुष्पा की तरह भाग जाए कहीं, हम नहीं चाहते थे अंजाम वैसा ही। पुष्पा जो भूषण को छोड़ के चली गई थी, वो उसके अवचेतन मन में डर बनकर उसके आसपास मंडरा रहा था, वो दरअसल एक भ्रम था जिसका सामना वो हर मोड़ पर कर रहा था। मेरी पत्नी सिर्फ मेरी है, मेरा पति मेरा है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये जुमला अगर जुनून बन जाए तो एक भयानक रूप ले सकता है, जैसा कि भूषण त्यागी के केस में हुआ। इसी के साथ मैं गिरीश जैन
क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड से विदा लेता, शक की बीमारी से दूर रहने की सलाह देती और हर जुर्म का पर्दाफाश करती एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।